जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीवी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश भोपाल की एक और नई भर्ती यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है रेलवे मेट्रो, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यदि आप स्नातक पास हैं, कंप्यूटर पास हैं, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कब से इसके आवेदन होना है, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली, पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को स्कैप न करें, वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ या नए आएँ तो मेरा आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मध्य प्रदेश की पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको लिखना मेट्रो, क्या लिखोगे, यहाँ पे आओगे, आपको लिखना है भोपाल मेट्रो रेलवे, क्लिक करोगे इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट वो आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एमपी मेट्रो रेलवे, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इसकी जो ऑफिशियल जो पेज है वो खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को जाना है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट, ठीक है, एडवर्टाइज नंबर, ठीक है, 2079 पब्लिक, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे इसका जो नोटिफिकेशन वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कल का। देखिए यहाँ पर मैं कह देगी कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली वो देख लो आप लोग पहले। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखिए जारी किया गया है 20 सितंबर को, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मध्य प्रदेश आपका मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो रहेगी जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी की, आपकी पोस्ट रहेगी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कितनी पोस्ट हैं, तो 4 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ठीक है, और आपको ये भर्ती रहेगी क्वांटिटेटिव बेस पर भर्ती रहने वाली है और ये रहेगा काउंटर मेडिकल कैटेगरी C1 के अंदर, ठीक है। अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी विषय से, ठीक है, ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से हो। दूसरा यहाँ पर 1 ईयर का आपका पास ITI का, चाहे आपने NCVT किया हो चाहे तो SCVT किया हो, किस ट्रेड से, स्टेनोग्राफर से, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है, ठीक है, स्टेनोग्राफर। दूसरा आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी CPCT कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट, ये आपको होना चाहिए, जिसमें उन्होंने जो मांगा हुआ है हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करनी है, ठीक है, ये आना चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। दूसरा ये आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है जो आपका स्टेनोग्राफर का, उसका भी आपके पास होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। ये नेक्स्ट आ जाओ हम एज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एज उन्होंने मैक्सिमम 65 वर्ष एज बता दिए और जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है डिक्टेशन, ठीक है, 10 मिनट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर 80 बार पर मिनट, तो आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनल असिस्टेंट इसका मांगा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर ले चाहे अपना प्राइवेट किया जाए गवर्नमेंट में किया हो, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 निकाली गई हैं और जिसमें जनरल की 2 हैं, OBC की 1 है, ST की 1 है, ठीक है, ये पोस्ट निकाली गई हैं। और हम देखिए बात करें ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो आपको सैलरी मिलने वाली, तो देख आपको जो 25,000 से 80,000 तक ये होता है और 20,000 से 60,000 तक ये आपका ग्रेड 2 के अंतर्गत सैलरी होती है, ठीक है। इसके पश्चात हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ का फॉर्म कब से इसके भराने वाले हैं वो भी देख लो, एक ही लास्ट डेट क्या है, मिनिमम एज 21 वर्ष है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। और बाकी एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, सभी कैटेगरी के हिसाब से OBC को 5 साल का मिलता है। और आपके ऑनलाइन है इसके जो आवेदन, तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा MPonline.gov.in इसके भरा जाएंगे, इससे आपको फिल करना पड़ेंगे, ठीक है। और मैं यदि लास्ट डेट की बात करूँ कब से भरा रहा है, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो 4 अक्टूबर से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और 20 अक्टूबर चलने वाली है, ठीक है, यानी अभी नहीं भरा रहा है, 4 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे, 4 अक्टूबर से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। MPonline के माध्यम भराएंगे, वहाँ की आपका सिलेक्शन, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी हैव द अप्लाई टू द स्किल टेस्ट, आप लोगों का स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, इसके पश्चात आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस वो यहाँ पर की जाएगी, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करें आप लोग भी, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने का मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसका हम नोटिफिकेशन लिंक और प्लस वेबसाइट का लिंक दे देंगे हमारे हम वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक्स।